गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम बरामदे में खड़े हैं, तनिष भी यहीं है, इनको खाना देने के लिए आया था। और आज मेरे बाल कटवाने का प्लान बना था घर पे, लेकिन पता नहीं अभी 50-50 है, हो सकता कट जाए, हो सकता ना भी कटें, तो देखते हैं। हो सकता है मैं बाहर ही कटवाऊँ, अभी कुछ नहीं कह सकते, जो भी होगा पता चल जाएगा। तो अभी टाइम 4:49 हो रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा लेट व्लॉगिंग शूट की, लेकिन अभी तक कुछ खास हुआ नहीं था कि फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं करता, तो अभी मैंने व्लॉग शूट किया। पसीने रुक नहीं रहे, ऐसा हालत हो रही है, अभी भी फिर पसीने आ रहे बालों में। समाज सेवा करते हुए गोबर उठा रहे हैं, ये कर रहा है, थप्पड़ क्यों मार रहा है इसको? इतनी तेज की खैड़ मारने आई थी अभी 10 रैप्ट बजाए हैं इसके, फिर भी मारने आ रही है। अभी हमारे सामने घर है, वहाँ पे जाना है, कुछ काम था, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मम्मी जब भी वहीं है, बाइक कुदाते हुए खेत में जा रहे हैं, निकल गए थे, पर देखो हथियार साथ में हमारे, कुल्हाड़ी। मैं भी अब थोड़ा सा काम यहाँ पे है, फिर उसके बाद हमें आगे वाले खेत में जाना है। हाँ ये देखो, कल अच्छे से नहीं दिखा था क्योंकि कल अंधेरा हो गया था, तो देखो हमने बना दिया, देखो चोटी भी बना दी उसके ऊपर की, ये रही। बस इधर उधर टहल रहे हैं, कंप्लीट हो गया, अब अगले खेत में जा रहे हैं। भाई आगे हो अभी खेत थोड़ी दूर है, अभी मिलते हैं आपसे सीधा खेत में। सड़क ऊपर ही ऊपर गया है, ये वाला ये सड़क तो पड़ा ना, ये जो खेत में गया था, किसी का बुगी टूटी थी नहीं ये खाद के लिए गया था। पहुंच गए हम काला को ऊपर, काला काले का लूटा बनेगा चारा गोरा था, लेकिन एक दिन चुप बिल्कुल चुप चला। जो हमने चावल बोए थे वो कितने अच्छे हो गए, ये देखो ये बीच में जब हमने बोई थी ना, पैर रख दिया था इस जगह पे, तो फिर यहाँ पे होगी नहीं, देखो डब्बे डब्बे से हो गए यहाँ पे, वो सुपरमैन हमारे वो खड़े उधर। वैसे देखो इतने सारे मच्छर बैठे हुए हैं पानी पे, ये देखो कितने मच्छर बैठे हैं, कितने बैठे, और अब मैं इनका सफाया कर दूंगा। कर दे, कुल्हाड़ी मारे, कुल्हाड़ी मारे इनको, गर्दन काट दे। अबे ओ मेरे को ही गिल्ला कर रहा है, इस साइड से पानी निकला हुआ ना, ये इसके अंदर से लीक हो रखा है, ये वाली जगह है, और यहाँ से भी इसमें इतने छेद हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। एक को बंद करोगे उसकी जगह दो और खुल जाएंगे, उस साइड भी काफ़ी सारे हैं। देखो इसमें ये जो गड्ढा है ना, कहता मच्छरों ने सारा पानी पी लिया, ये धूप में उड़ गया, आज गर्मी पता कितनी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा तो बोले बाकी होता है, बाकी दिनों के अच्छा तो मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, डबल या ट्रिपल गर्मी आज। एक सेकंड के लिए अगर कुल्हाड़ी या फिर कुछ भी डालना बंद कर दे तो ये मच्छर एकदम से इस जगह को हड़प लेते हैं, देखो कितने सारे। यही वो मच्छर है जो हमें काट काट कर हमारा कीमा बना देती है, कीमा भी नहीं बस काट काट के हालत ख़राब कर देती है, हजारों की तादाद में बैठे हैं इधर। कितना दूर चला गया यहाँ से, देखो कितना दूर है यहाँ से, दूर है। चलो हम भी वहीं चलते हैं, मैं रिपोर्ट तनिष को कर, हम अपना औजार भी लाया, अगर सांप मिल गया तो उसकी वही मुंडी ख़त्म कर देंगे। निकल पड़े हैं अपने घर के लक्ष्य के लिए, अब हम अपने घर पे जा रहे हैं, चप्पलों में मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, हर जगह पर मिट्टी है और पैरों में भी मिट्टी है, मिट्टी भी नहीं मिट्टा, ये मिट्टा पत्थर बने हुए हैं मिट्टी के। किसको धमकी देने जा रहा है, तो किसको धमकी देने जा रहा है, वो देखो हो रहा क्या धमकी देगा,
बेचारा सीना फाड़ गया, उस पर शर्ट तक खरीदने के पैसे नहीं है, उसकी बेचारी छाती भी फटी हुई है, वो बात अलग है, उल्टी पहना रखी है। तो अगर तो यहाँ पे हमारे खेत की रखवाली नहीं करेगा तो जरा मुंडन कर दिया जाएगा, सिरका भी मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ये तो हो ही रखा है, चलती तो पहले से हो रही, स्टार्टिंग में ये देखो कितना मस्त पजामा भी पहना रखा हमने इसको, अब बस जूते, हाथ में ग्लव्स क्योंकि रात को रहता ना, और सिर पर टोपी तो पहनी रखी है, याद रखना वरना हम तुम्हारी छाती चीर देंगे। चलो वापस अपने लक्ष्य पर चल पड़े हैं, हैशटैग थक लाई फर्श की। इस पाँव के निशान बने यहाँ पर हम चल के गए थे, तो एक हफ्ते बाद है बिल्कुल इनका तिनका भी नहीं दिखाई देगा, तिनका दिख सकते हैं, वो हमारा रखवाली करते हुए हमारा गार्ड वहाँ पे हमारा रखवाली कर रहा है, और पीछे क्रिकेट चल रहा है, ये उस क्रिकेट का एम्पायर देखे घात भी उठा रखे, कह रहा आउट आउट। चलो हम अपना चलते हैं। क्या है भाई, अंकल जी क्या है जो चल रहे है ट्रैक्टर के पीछे, कंप्यूटर गोड़ी, खेत का लेवल बनाते, गोड़ी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, नीचे आता उसको सीधा कर देते। क्या हुआ, ये लग गई, ये जो खड़े ओ मेरे को भी लगे छाते हुए, मेरे को लगा काम हो गया, मुझे लगा कुछ निकल गया। अच्छा मुझे भी लगा था, बस पहुंच ही गए। क्या किसने लूट लिया तुझे? मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के पैसे कितने पास खाने के पैसे हैं, इतनी इतनी सी मिट्टी खोद के पैसे कमाता हूँ, खरीदता कौन है उसको, इतनी तो सड़क भी पड़ी मिल जाती होगी। क्यों कमा रहे हैं ऐसे, डांट पड़ी कैसे लगा, पता क्या होगा अगर लगी किसी का, सफाया हो जाएगा सफाया। पैर में कुछ चुबा दिया इसने, क्या चुबाया, गर्मी इतनी हो रही है सहन नहीं हो रही, तो मैं नहाने जा रहा हूँ और कोई चारा नहीं है, कि हालत ख़राब हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, तो अभी मैं जाऊँगा, मेरे पीछे पीछे तनिष भी आ जाएगा, फिर दोनों ही नहा लेंगे। तो अभी हमें मिल चुका है नींबू पानी, ये देखो हर्ष भी आ गया, हर्ष भी अपना नींबू पानी इंजॉय कर रहा है, मैं तो बाहर आके बैठ गया, देखो पंखा चला रखा है, बहुत अंदर ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं तो जैसे ही आया उसी टाइम मैंने पंखा चला लिया और अपना यहाँ पे खाट बिछा के मैं तो बैठ गया भाई। फिर हमेशा की तरह हमारी बछड़ी और कटड़ी हमेशा सोचते हैं कि कुछ खाने के लिए लाया है। पैपू 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 फोन चाटने आ जाती है, कैसी लग रही है देखो, लाइटनिंग मोड ऑन, खतरनाक देखो ओपी, आंखें देखो उसकी नीली नीली कैसी लग रही है, एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनाओ और देश को संभालो, इससे खड़े मारने से कुछ नहीं होगा, फ्री का खाना खाने से अपने पैरों पे खड़े हो, वैसे अपने पैरों पे खड़ी है लेकिन कोई नहीं। कह रही है फ्री के एडवाइस के लिए शुक्रिया, पैसा नहीं लिया इसलिए फ्री के एडवाइस सुन ली, तेरे लिए भी एडवाइस है, अभी से स्टार्ट कर दे पढ़ाई, और तेरे लिए तो अभी नर्सरी ज्वाइन कर। तो मैंने आपको अपनी मम्मी से नहीं मिलाया था, पापा से मिला दिया, सबसे मिला दिया, सिर्फ मम्मी रह गई थी, और मेरी मम्मी अभी आ गई हैं करनाल से, आ गई हैं कल, आ गई थी वो, लेकिन कल ब्लॉग में मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो ये मेरी मम्मी है, हेलो कर दो, हाय। अभी बस हम खाना खाएंगे, खाना बन गया फिर उसके बाद सो जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।